तो देखिए तैयार हो गया है, बनाना स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, ना कभी हमने खाया हुआ है ना कभी बनाया हुआ है, तो चलिए आज बनाएंगे और खाएंगे, देखिए कैसा बनता है। तो आप लोग हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ये चावल हमने लिया हुआ है, चावल को पहले अच्छे से पछोड़ लेते हैं, भूसी इसका निकल जाए। चावल को अच्छे से हमने फटक लिया हुआ है, अब इसे हम 10-15 मिनट के लिए भिगो देंगे, बस ये चावल हल्का सा हमारा फूल जाए। तो धूप में कपड़ा बिछा देते हैं, चावल को हल्का सा सूखाएंगे। आधे घंटे में जो है चावल हमारा अच्छे से जो है फूल चुका है, अब इसे हल्का सा हम सूखवा देंगे, जैसे गीला गीला ना रहे। तो बहुत ज़्यादा नहीं सूखवाना है, बस हल्का सा इसका पानी जो है ख़त्म होता है। तो इस रेसिपी में दोस्तों ढेर सारा जो है लकड़ी लगेगा, तो यहाँ पे हमने रख लिया हुआ है। तो बड़ा सा जिसकी हमने मिट्टी का लेव लगा दिया हुआ है, इसमें बड़ा सा बर्तन चलता है, एक पहले हम तोड़ेंगे। एक को बंद पानी नहीं मिला। तो ये क्या करके थोड़ा सा हमने इस नारियल को निकाल लेंगे हम। तो नारियल को हल्का सा हमने धो लिया हुआ है, और क्योंकि इसका छिलका जो है लग गया था, तो नारियल को हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो पतला वाला जो है कद्दूकस कर रहे हैं, देखिए बहुत ही महीन हो रहा है। तो हल्का से देखिए सूख गया है, पानी बिल्कुल नहीं लग रहा है हाथ में, ये देखिए। तो चलिए इसे लेकर चलेंगे। तो चावल को हम थोड़ा थोड़ा लेकर एकदम महीन जो है पीसेंगे, आटा जैसा एकदम। तो धोए रहते हैं दोस्तों, खुद जो है नरम, तो थोड़ा थोड़ा जो है चावल लेकर हम पीसेंगे, तो एकदम महीन जो है आटा निकलेगा, ये देखिए एकदम महीन निकल रहा है। इतना सफ़ेद आटा जो है चावल का निकल रहा है जैसे मैदा, ये देखिए। दूसरे बर्तन पर रखेंगे। तो चावल से दोस्तों आटा बनता है, थोड़ा सा ज़्यादा लगने लगता है, देखिए कम से कम एक पाव तक मैंने पीसा हुआ है, एक पाव तक इतना ज़्यादा हो गया आटा। तो पूरा चावल हमने पीस लिया हुआ है, पूरा इसमें समय भी लगा है और मेहनत भी, तो बहुत ही अच्छा हमने पीसा हुआ है, ये देखिए। तो चलिए अब हम चूल्हे में आग को जलाएंगे। मौसम दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब है, देखते हैं पूरा रेसिपी बन पाती है, एक दूसरे जगह ले जाना पड़ेगा। तो बरसात महीने में जितना आग जलता है उससे ज़्यादा धुआँ होता है। तो ये बड़ी सी झटकी इस पर रख देते हैं चूल्हे पर, और इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा पानी। तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी हम डालेंगे, पक्का रेसिपी बनाएंगे दोस्तों। देखिए मैंने ढक्कन लिया हुआ है मिट्टी का, इसमें होल किया हुआ है, इसी से भाप से बनता है पक्का। तो चलिए इसे हम ढक देंगे, अभी गर्म नहीं है, अच्छे से हम इसे सेट कर देंगे। तो आटा का हम गोद बनाएंगे ढक्कन को सेट करने के लिए। आटा हमने हल्का सा गीला रखा हुआ है जैसे अच्छे से चिपके, तो दोनों साइड हल्का हल्का हम चिपका देंगे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इस छानी में आटे को ले लेते हैं, तो हल्का सा पानी डालकर इसे हम नमी करते हैं। तो पानी डाले दोस्तों, देखिए इस तरीके से गोली बन रहा है, तो गुठलिया बन जा रहा है, बना हुआ है, तो उसे इस तरीके से हम गुठलिया को हटा देंगे। तो जाली वाली थाली जो है गुठलिया को हम ख़त्म कर देंगे रगड़ कर, तो देखिए अच्छे जो है अच्छे हो जा रहा है। चलिए कटोरे में हम सेट करते हैं। तो पहले हम डालेंगे आटे को, चावल के आटे को हमने इस तरीके से डाल देते हैं। तो अब हम देसी गुड़ को डालेंगे बीच में। देसी गुड़ डालने के बाद थोड़ा सा हम डालेंगे नारियल का बुरादा, उसके बाद हम डालेंगे फिनिश को। तो ये हमने काटन कपड़ा लिया हुआ है, इसे हल्का सा जो है भिगो कर निचोड़ देंगे, जैसे कपड़ा जो है जले ना हमारा। तो कटोरे को इस तरीके से हम ढक देंगे, ढके बाद हल्का सा जो है कपड़ा जो है इस तरीके से नचा कर देंगे और रख देंगे पकने के लिए। ये देखिए भाप जो है अच्छे से निकल रहा है, तो भाप से ही पकेगा। तो बीचों बीच अच्छे से हम सेट कर देंगे। ऐसे गुड़ दोस्तों है, ये देखिए इसे तोड़ना नहीं, कद्दूकस नहीं करना पड़ेगा, बस इसी तरीके से फोड़ लेंगे हम। तो जो हमने कपड़ा लगाया दोस्तों बहुत ही पतला है, एक कटोरे में जो है चिपक गया था, बहुत आसानी से नहीं निकल पाया। तो देखिए वो पतला पतला दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए ये पहला है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा जो है बना हुआ है,
ये कम से कम 3 मिनट पे मना हुआ है, अब 5-5 मिनट तक हम रखेंगे जैसे बहुत अच्छे से पका रहे। ये भी बहुत अच्छे से पका हुआ है, दोबारा हमने सेट कर लिया हुआ है और कपड़ा भी हमने चेंज कर दिया हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा जालीदार था तो चिपक रहा था, तो देखिए ये थोड़ा मोटा रखा हुआ है। तो चलिए अब निकालते हैं। तो कटोरे में जो है कपड़ा हल्का सा चिपक रहा है, अब कटोरा पहले हम निकाल देंगे इस बार, देखते हैं इस बार कैसा बनता है। तो अभी कम पका हुआ है, ये दोबारा कर दे रहे हैं। तो चलिए हम दोबारा इसे हम इसमें हल्का सा जो है पिसान लगा दे रहे हैं, उसके बाद अब चलिए अच्छे सेट कर देते हैं। तो पहले चावल को अच्छे सेट कर देंगे, उसके बाद गुड़ को, तो गुड़ को भरने के बाद नारियल को, तो अब अच्छे से हम आटे को भरेंगे। ऐसे इस तरीके से बंद कर कर और बीचों बीच एकदम अच्छे से हम रख रहे हैं, जैसे अच्छे से चारों तरफ अच्छे से पके। और अच्छे से रखने के बाद हम कटोरे के आराम से जो है निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कटोरे को हमने निकाल दिया हुआ है, अब अच्छे से टुकड़े को हम ढक देंगे। और तो दोबारा हम थोड़ा थोड़ा करके इसे हम बना रहे हैं जैसे गुठलिया बने ना, और हल्का हल्का पानी छिड़क कर हम नरम कर ले रहे हैं। तो 5-5 मिनट में जो है भक्का हमारा तैयार हो रहा है, हल्का से पकने पर इसे हमने ढक दिया हुआ था जैसे थोड़ा जल्दी पके। तो चलिए अब निकालते हैं। और इस मुकाबले में श्रीलंका ने वो रन तो बना दिए हैं, बहुत ज़्यादा जो है भाप लग रहा है, छोटे से पकने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये देखिए कटोरा हमने निकाल दिया हुआ था, थोड़ा जल्दी इसे ये निकल गया। ये देखिए बहुत अच्छा जो है बना हुआ है, ये देखिए एकदम स्पंजी कर रहा है, बहुत अच्छा पक रहा है हमारा। ये वाला थोड़ा कम पका हुआ था पर बाद में देखिए बहुत अच्छा ये भी लग रहा है, पर ये और ये वाला बहुत अच्छा पका है। इसी तरीके से सारा जो है अच्छे से हम बक्के को सेट कर लेंगे। तो 5-5 मिनट में जो है तैयार हो रहा है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे जो है पूरा जो हमारा तैयार हो रहा है। तो चावल को अच्छे से मैंने सेट किया हुआ है, गुठलिया बिल्कुल नहीं बना हुआ है। इसी तरीके से बीच बीच में हम रख रहे हैं और तुरंत जो है कटोरा निकाल ले रहे हैं, इसके बाद में अच्छे जो है ऊपर तक पके। तो कटोरा निकालने के बाद कपड़े जो है अच्छे से हम ढक दे रहे हैं। तो आज तेज रहता है तो बहुत अच्छे जो है भाप तैयार होता है, और पानी भी हमने थोड़ा सा ज़्यादा डाला हुआ है। तो पूरा जो है तैयार हो गया, अभी 2 ठे बचा हुआ है, उसे भी तैयार कर लेंगे। तो सभी भक्का हमारा बहुत ही अच्छा बना हुआ है, ये देखिए दोनों साइड से बहुत अच्छा से तैयार हुआ है। तो 1 किलो में 207 ठे तैयार हुआ है, और देखिए दोनों साइड में इतना मोटा है, बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए मिट्टी का हमने ढक्कन लिया हुआ था तो उसी का ये देखिए हल्का सा कलर लगा हुआ है, बाकी सब एकदम वाइट है। पक्का हमारा बनकर तैयार हो गया, चलिए आप लोगों को कोट कर और खा कर दिखाते हैं कैसा बना हुआ है। बना तो बढ़िया आया है, अब स्वाद कैसा है वो बताएंगे। तो चलिए बीच में से इसे हम तोड़ते हैं और देखते हैं कैसा पका हुआ है। तो देखिए बहुत अच्छा जो है बना हुआ। तो चलिए आप लोगों को एक और तोड़ कर दिखाते हैं, देखिए दोनों साइड बहुत अच्छा है। तो ये भी बहुत अच्छा जो है पका हुआ है। तो पहले ऐसे खा कर दिखा दे, उसके बाद दूध डालकर खाएंगे। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों स्वाद इसका लग रहा है, मीठा लग रहा है और नारियल भी दांत में पड़ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। तो थोड़ा सा दूध डालकर हम इसे खाते हैं, दूध से स्वाद लेते हैं। तो पहली बार दोस्तों बना हुआ है तो थोड़ा सा थोड़ा अच्छे से चख लेंगे, तो उसके बाद लोग बताएंगे। दूध से भी अच्छा लग रहा है और ऐसे भी अच्छा लग रहा है सूखा भी। तो आज हमने दोस्तों चावल का जो है भक्का बनाया हुआ है, उसमें गुड़ और नारियल डाला हुआ है। तो आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए रेसिपी के संग, तब तक के लिए नमस्कार।